इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोमवार की शाम जब शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तो उन पर लगे इल्जामों को सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ रही है। पॉर्न फिल्म केस में कुंद्रा के ऑफिस पर जब रेड मारी गई तो पॉर्न फिल्म की स्क्रिप्ट और एक्ट्रेस की कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी पुलिस को मिली। कहा जा रहा है इसी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी के जरिए मॉडल को राज कुंद्रा ब्लैकमेल किया करता था। पॉर्न फिल्म कंटेंट अपलोड करने वाला सर्वर भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब तक बैंक ट्रांजेक्शन, व्हाट्सएप चैट, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क से राज कुंद्रा के राज बाहर आ रहे थे, लेकिन अब राज कुंद्रा के दफ्तर से एडल्ट फिल्मों की स्क्रिप्ट और इसमें काम करने वाले कलाकारों की कॉन्ट्रैक्ट कॉपी इंडिया टीवी के हाथ लगी है, जिसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि राज कुंद्रा ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थी। कलाकारों की कास्टिंग से पहले उनसे कैसी कैसी शर्तें मनवाई जाती थी वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इंडिया टीवी के हाथ जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी लगी है उसमें राज कुंद्रा क्या लिखता था। उसे पढ़िए और समझिए कि मॉडल से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखता था राज कुंद्रा कि कभी पकड़ा ना जाए। मैं खुश हूं कि आपने मुझे आपकी नई वेब सीरीज के बतौर आर्टिस्ट कास्ट किया। मेरा मेहनताना 10,000 रुपए है। फिल्म OTT पर रिलीज होगी। मैं सहमति देती हूँ कि मैं इस फिल्म के लिए हर तरह के बोल्ड सीन्स के लिए काम करूंगी। मैं अपनी सहमति से ये सीन करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर प्रोडक्शन हाउस का कोई दबाव नहीं है। मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस मेरे बोल्ड सीन को किसी फिल्म OTT या किसी वेबसाइट पर रिलीज करे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की कहानी यही खत्म नहीं होती थी। राज कुंद्रा इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के जरिए ही मॉडल को फंसाता था और ऐसा फंसाता था कि जो एक बार फंस गई उसके लिए बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर देता था। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के टॉप पर किसी फिल्म कंपनी का नाम नहीं होता था और ना ही कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ना तो वेब सीरीज का नाम होता था और ना ही उसकी रिलीज डेट। बस एक ब्लैंक पेपर को कॉन्ट्रैक्ट पेपर बताकर उस पर मॉडल के दस्तखत ले लिए जाते थे। मॉडल किस फिल्म में काम करने वाली है, कहां काम करने वाली है, कोई जानकारी नहीं होती थी। ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जाता था जो अंग्रेजी ना तो बोल सकती थी और ना समझ सकती थी। उसे हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट समझाया जाता था और जब सेट पर न्यूड सीन का विरोध करती तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर की धमकी दी जाती थी। बस होती है या जिनको जरूरत है इनको ये लोग थोड़ा अट्रैक्ट करते, पैसा दिखाते कि आप अच्छा खासा मोटा पैसा बना सके, या फिर चाहिए तो फिर आप ये सीरीज में काम करोगे तो आगे जाके आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल सकता है, पॉसिबल है, ऐसे करके इनको झांसे में ले लेते। फिर लड़कियां इनको एक अच्छे क्या बोलते हैं कि एक अच्छी भावना मन में रख के लोग अपना पोर्टफोलियो देखे, चाहे कोई मॉडलिंग का या अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। उनको पता नहीं होता है कि ये जो वेब सीरीज के नाम पे यहाँ पे क्या गोरख धंधा हो। मतलब मुंबई के जिन एक्ट्रेस को काम नहीं मिलता था उनके लिए राज कुंद्रा तैयार बैठा था। रोजाना सैकड़ों लड़के लड़कियां एक्टर बनने के लिए माया नगरी मुंबई आते हैं और जिनको काम नहीं मिला राज कुंद्रा उनको अपना टारगेट बनाता था। जिन्हें फिल्मों में ब्रेक नहीं मिलता था उन्हें राज कुंद्रा ब्रेक देता था, लेकिन इसके लिए राज कुंद्रा की अश्लील शर्तें होती थी। सीन पूरा करने के बाद उनको बोल लेंगे कि अभी आपको एक बेड सीन करना है, तो उन्होंने बोला बेड सीन मतलब जो रेगुलर बेड सीन होता है जैसे हिंदी सीरीज में फैमिली के साथ देखते हैं, बोले ऐसा नहीं, आपका ये न्यूड सीन रहेगा और आपको बाद में आपको ढका दिया जाएगा। तो उन्होंने उसको उसका विरोध किया। सो विरोध किया तो बोले देखो आपने तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो लड़की बोली कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने सिर्फ मुझे पढ़ के सुनाया और इंग्लिश में था, आपने मुझे हिंदी में कुछ बताया वो हिसाब से मैंने साइन किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में कुछ अलग लिखा था, हिंदी में पढ़ के कुछ अलग सुनाया उनको। उन्होंने जल्दी जल्दी उनसे साइन भी ले गई। जब इन्होंने ना बोला तो बोला कि आपका 30,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं जो आपका मेहनताना है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो आपको 10,00,000 रुपए और बाकी का जो खर्चा है इधर का बंगलों का भाड़ा बेड़ा ये सब आपको देना पड़ेगा।
मड आइलैंड के ग्रीन विला बंगले से क्राइम ब्रांच की टीम एक मेमोरी कार्ड भी लेकर गई थी। इस मेमोरी कार्ड को जब अनलॉक किया गया तो पॉर्न फिल्म की शूटिंग की स्क्रिप्ट निकली। क्राइम ब्रांच ने अपनी पहली चार्जशीट में इस हिंदी स्क्रिप्ट का जिक्र भी किया है। धोखा नाम की पॉर्न फिल्म की स्क्रिप्ट है। बड़ी बड़ी फिल्मों की तरह राज कुंद्रा एडल्ट फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटर रखता था। स्क्रिप्ट राइटर कहानियां लिखता था और उन कहानियों पर फिल्मों की शूटिंग होती थी। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे कितनी अंधेरी दुनिया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है शिल्पा शेट्टी का पति। राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म की इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा राजा बन गया था कि मुंबई पुलिस के मुताबिक करीब 100 वेबसाइट की मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उसमें से 50 वेबसाइट के लिए राज कुंद्रा काम करता था। बताया जा रहा है कि पॉर्न फिल्मों से राज कुंद्रा हर रोज 10 लाख तक की कमाई कर रहा था। राज कुंद्रा ने डर्टी फिल्मों को पैसे छापने वाली मशीन में कन्वर्ट कर दिया था। बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से राज कुंद्रा के सारे राज बाहर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पास कुंद्रा के खिलाफ सबूतों का अंबार इकट्ठा हो रहा है। कमाई के साथ साथ राज कुंद्रा के सारे डर्टी सीक्रेट बाहर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम कई महीनों से इस पॉर्न रैकेट की परतों को खोलने में लगी हुई थी, लेकिन असली कामयाबी उसे अब मिल रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।